हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसे यूज़ करके आप अपने किसी भी नॉर्मल फ़ोन से क्लिक किए हुए फोटोज़ को आप 64 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल तक क्लिक कर सकते हो, उसका रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो आप कैसे अपने नॉर्मल फोटोज़ को उसका रिजोल्यूशन बढ़ा के 64 या 108 मेगापिक्सल करना कर सकते हो तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो मैं हूँ किशोर सरवैया और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो चलिए शुरू करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले इस एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप अपने नॉर्मल मोबाइल में फ़ोटोज़ क्लिक करते हो तो आप उस एक लिमिट तक उसको जूम करके देख सकते हो, लेकिन इस एप्लीकेशन की मदद से आप इसका रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हो, उसके साथ साथ उसकी जूम कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हो ताकि आप ज़्यादा डिटेल में इस फोटो को देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो है एल्बम यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी डिटेल दिखा देता हूँ आपको। देखिए, इसका आप डायमेंशन देख लीजिए, इसका साइज़ देख लीजिए, ठीक है। तो इस ये एक सिर्फ 1 MB का फ़ोटो है, तो इसका रिजोल्यूशन जो है मैं आपको इंक्रीज़ करके दिखाऊँगा, ठीक है। आप देख लीजिए, अभी ये उतना ही, सिर्फ इतना ही जूम होता है, उससे ज़्यादा जूम नहीं होता। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप इसको 16 या 64 मेगापिक्सल तक इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ़ोटो एडिटर करके। तो यहाँ पे सिंपली आपको फ़ोटोज़ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको कोई सा भी आपका जो फ़ोटो है उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। देखिए, ये फ़ोटो जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखिए, यहाँ पे आप जैसे स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको रीसाइज का ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, सेकंड लास्ट, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे इसका साइज़ जो है बढ़ा देना है, देखिए इस तरह से आपको बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ पे टॉप पर जो है इसको ओके कर देना है, ठीक है। इसको सेव कर देना, ठीक है। देखिए, यहाँ से मैं जिसको डाउनलोड करता हूँ तो सेव टू गैलरी, तो देखिए ये हमारा फ़ोटो जो है गैलरी में सेव हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, मैं गैलरी में भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाला फ़ोटो जो हमारा था वो डिटेल उसका जो है 1 MB है। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इसका डिटेल जो है वो है 1.4 MB, मतलब कि थोड़ा सा भी इसका साइज़ जो है बढ़ा है। आप देख लीजिए, इसका जूम थोड़ा सा बढ़ा है। तो अब चलिए मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ उसी में से कैसे आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, वहाँ से मैं फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ। देखिए, पहला वाला फोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए, वहीं से हमें रिसाइज पर जाना है, उसको फुल कर देना, ठीक है। रिसाइज को हमें फुल कर देना है, उसके बाद इसको ओके। तो देखिए, जैसे इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पर आपको इसको सेव कर लेना है। तो जैसे इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको फिर से इसका साइज़ दिखा देता हूँ। देखिए, इसका साइज़ हमने 1.4 MB किया था। उसके बाद देखिए, दूसरा फ़ोटो है, इसका डिटेल देख लीजिए आप, 3.8 MB। अब चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए कितना जूम होता है। आप इसका देख लिए, ये तो लो क्वालिटी का फ़ोटो है इसलिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए इसका जूम कितना। मैं चलिए आपको तीनों फ़ोटोज दिखा देता हूँ। ये हमारा पहला फ़ोटो, देखिए इसका मैक्सिमम जूम इतना होता है। उसके बाद ये दूसरा फ़ोटो, देखिए इसका भी मैक्सिमम इतना ही होता है। उसके बाद थर्ड वाला फ़ोटो आप देख लीजिए, इसका मैक्सिमम जूम देख लीजिए कितना होता है। तो इसी तरह से आप बार बार एक ही फ़ोटो को 3 से 4 बार करोगे तो इसका आपका साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा, इसका रिजोल्यूशन भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने किसी भी नॉर्मल फ़ोटो को जो है उसका साइज़ बढ़ा के उसका मेगापिक्सल को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ आ गया होगा कैसे आप अपने मोबाइल से ही अपने नॉर्मल फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा इसका रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके ऐसे यूजफुल वीडियोज लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।